कुछ कविताएं पल्लवी मुखर्जी की सुना रही हूं। पहली कविता है जीवन। ये जो उजाले और अंधेरे के बीच उगा है बिरवा उम्मीद का, जिसे तुम दिन रात सींचते रहते हो अपने पसीने की बूंद से, उसे हरा बनाकर रखना। एक पीला पत्ता जब छोड़ने लगता है अपना हरा रंग, तब उम्मीद टूटती है। देखो मेरी आंखों के भीतर का आकाश भी हरा है। सुनो तुम बचे रहना मेरे भीतर एक पत्ते की तरह अपने पूरे हरेपन के साथ। अगली कविता है खंडहर। सोचती हूँ तुम पर एक कविता लिखूँ। तुम मेरी गली के कोने वाले खंडहर नुमा घर में अपने तीन अविवाहित बच्चों के साथ रहती हो जो दिव्यांग हैं, और तुम्हारा पति हाल ही में महामारी में चल बसा। सोचती हूँ तुम पर एक कविता लिखूँ। कितना हास्यास्पद है एक कविता लिखना वैधव्य गुजारती स्त्री पर जो एक खंडहर नुमा घर में रहती है। क्या मेरी कविता लिख देने से तुम्हारा बोझ कुछ कम होगा? क्या मेरी कविता लिख देने से तुम्हारा बोझ कुछ कम होगा? तुम्हारी जरा सी खुली खिड़की में झांकने की भरसक कोशिश की है मैंने, पर सिवाय झूलते पर्दों के कुछ न देख सकी। हाँ एक बार जरूर मिली तुम अपने घर के बाहर सदाबहार के बैंगनी फूलों को चुनती हुई, और मेरी आंखें तुमसे जा टकराई। मैंने तुम्हारी आंखों के कटोरों के भीतर झांकने की कोशिश की, पर सिवाय सुनेपन के कुछ भी हासिल न हुआ। और मैं कविता लिखना चाहती हूँ तुम पर तुम्हारे कंधों के बोझ कुछ कम करने के लिए। मैं तुम्हें मुक्त करना चाहती हूँ हर खंडहर नुमा घर से। तुम्हें स्वच्छंद विचरण करते देखना चाहती हूँ उन्मुक्त जैसे कोई चिड़िया हो। सुनो मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ कविता में। अगली कविता है ठहरा हुआ पानी। इन दिनों जेठ की गर्म तपती दोपहरी में तुम्हारे तांबाई चेहरे पर अटक जाती हूँ मैं। पांच घरों के काम निपटाकर रात के बासी बर्तनों को धोती हो तुम। तुम्हारी देह पर बिखरे पसीने की बूंदें चुभती हैं आँखों में किरचों की तरह। तुम्हारे चेहरे पर उभरी आड़ी तिरछी रेखाओं को समेटने में विफल खड़ी मैं महज एक चाय का प्याला पकड़ाती हूँ, जिसे तुम सुड़कती हो रात की बची बासी रोटियों के साथ। तुम्हारे माथे की ढीली होती शिराओं को देखकर तृप्त होती हूँ कुछ पलों के लिए। तुम्हारा पति सिधार चुका दो बेटे तुम्हारी गोद में देकर तमाम दुखों का बोझ पीठ पर लादे दायित्वों से टूटती नहीं हो तुम, जबकि तुम्हारे होठों पर एक तिरछी हंसी हमेशा ठहरी होती है। सोचती हूँ तुम्हारी आँख का पानी ठहरा हुआ है, बहता क्यों नहीं है नदी की तरह। तुम्हारे अंतस में जमी हुई काई खुरचना चाहती हूँ मैं। यह कविताएँ पल्लवी मुखर्जी की हैं। इनका काव्य संग्रह भी आने वाला है। मेरी शुभकामनाएं पल्लवी मुखर्जी को।